समाज चेक करें अपना सारा। ओए ओए दुकान लूट लाए हैं आप यार, ये सील फेंकता यार, ये फोन जो है ना और अब हमने घर के अंदर कुछ रखना ही नहीं है खुदा की कसम। अब तो मैं तो कहता हूँ कोई चोर अगर आएगा वो 500 रुपए खुद मुझे पकड़ा के रहेगा, डक्की भाई ये रख लो कुछ रख लो अपने घर में। हमला जी बैक विद अनदर व्लॉग। और यार तो पिछले 2-4 दिन से मैं गायब था, और अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तुम लोगों को पता होगा कि मेरी नानी की डेथ हो गई थी आज से 5 दिन पहले। तो सबसे पहले तो आप सारे उनके लिए दुआ कर लें। तो पिछले 5 दिन से जो है मैंने कोई अपडेट नहीं दी, कोई मैंने वीडियो डाली मैंने मुनासिब नहीं समझा। घर में भी कोई भी नहीं है क्योंकि मेरी नानो जो है वैसे हमारे साथ रहती थी लेकिन उनका घर जो है वो कहीं और था, तो इसलिए घर भी तब से कोई भी नहीं है। मतलब आना जाना लगा रहता है लेकिन मोस्टली उधर मेरी नानो के घर ही होते हैं। खैर एनीवे तुम लोगों को याद होगा कि हमारे घर में जो है आज से कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। वैसे तो मैं स्टोरीज पे इधर अपडेट दे चुका था कि चोर पकड़ा गया लेकिन केस पूरी तरह जो है वो सॉल्व नहीं हुआ था, सामान रिकवर नहीं हुआ था। अब जो है मुझे पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल आई है कि भाई 90% काम हो गया, तो फाइनली हम लोग चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है भाई। और तुम लोगों को मैं बता दूं कि मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए इस वीडियो के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी सब्सक्राइब कर लो, आपका दिल करता है कर दो सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं। मसला ये इस तरह की जो इंसिडेंट वाली वीडियोस होती है कि घर में चोरी होगी या कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर लोग कहते हैं कि ये कोई सब्सक्राइबर के लिए कर रहा है या ये कोई फेक चीज है। तो जब हमारी चोरी हुई थी तब जो वीडियो डाली थी तब भी मैंने आप लोगों को यही कहा था कि कोई लाइक सब्सक्राइब मैं अपने से नहीं कहूंगा, अपनी मर्जी आपकी। आज जो है रूप की भी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, उसको भी मैंने कहा कि आज रेस्ट ही करे। पुलिस स्टेशन जा रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक है, रेस्ट करो, कोई दवाई शवाई लेनी हो तो मुझे बता देना रास्ते से पकड़ लूंगा। निकलिए भाई। चोरी भी जो है सारी इसी कमरे से हुई थी, ठीक है, और पुलिस का कहना है कि काफी हद तक जो है सामान रिकवर हो गया, तो आके शराख कर ले। तो हमें अभी जाना है पुलिस स्टेशन देखने के लिए कि सामान हमारा कितना का रिकवर हुआ है। जाना भी हमें पिंक सिविक में, तुम लोग को पता है कि फॉर्च्यूनर जो है मैंने रैप होने के लिए दी थी उसको भी बड़ा टाइम हो गया भाई, मैंने तो खुद अपडेट नहीं ली कि क्या बना गाड़ी का यार। पूछा मैंने कुछ? अब पुलिस स्टेशन हम लोग जा रहे हैं तो हमें जो है ना बंदा भी अपने साथ एक ऐसा लेके जाना चाहिए जो पुलिस स्टेशन के मामलात को जो है ना समझता हो। बात तो सही है। क्या हाल है भाई? ठीक हो यार? बस ये पुलिस स्टेशन वाले मामले में बिजी था। चोर पकड़ा गया है? नहीं यार, रेडी हो जा कुछ। हाँ, उसको छितर मारने के लिए रेडी हो जा। चोर तो पकड़ा गया, जो सामान था वो यार वो अब पुलिस स्टेशन जाके जो है ना देखना पड़ेगा कि कितना का रिकवर हुआ है। अब वो पुलिस ने बुलाया तो है कि आके देख लो कि क्या क्या आपका है क्या क्या नहीं है। अच्छा, देखना पड़ेगा कितना का रिकवर हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से 80% काम हो गया। बस डन हो गया, गुड हो गया जी। यार कौन सी गाड़ी ले आए हो यार? यार बाबे यार तुझे पता है मेरी अपनी गाड़ी गई हुई है इधर शोरूम। यार रैप होने कब से दिया हुई गाड़ी, कब से मैंने रैप होने दी हुई है यार? मुंह के ऊपर टिश्यू आ गया यार, ये गलत भाई यार, ये सही काम नहीं है, मजा नहीं आ रहा, मुझे उतार दो यार। ओए बाबे आराम से, ओए बाबे आराम ना यार भाई, लड़कियों वाली गाड़ी में नहीं मैं बैठ। और बाबे आराम से मुझे बिठाओ यार, ये बाइक में नहीं गाड़ी में नहीं बैठ। ओ यार बाबे केला क्यों खा जाता है यार एक गाड़ी के पीछे? बाइक पे आ जा, क्या हो गया यार, उतरवा देंगे ना यार। उतरवाओ यार, अभी तो काम है ना, अभी तो जाने पुलिस स्टेशन है। आ जा रेडी हो जा। निकली यार, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी भाईजान? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र भाईजान। कैसे हैं आप? सुनाए ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह ठीक है, ठीक है। देखिए भाई पहले अपना ये समाज चेक करें अपना सारा। ओए होए होए, दुकान लूट लाए यार, ये सील फेंकता यार, ये फोन जो है ना सील फेंकता, उस कुत्ते के बच्चे ने खोल दिया। लेकिन ये है मेरा, ये GoPro तो तुम्हारा है? ये तो मेरा है, ये तो पूरे पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई इस्तेमाल वैसे भी नहीं करता। अच्छा, ये iPhone 15 ये भी मेरा ही है जी, लेकिन उसने स्क्रैचेस मार दिए हैं। ये मेरा पहला एंड्रॉइड फोन था, ठीक है, ये मेरा दूसरा एंड्रॉइड फोन है, ये मेरी एप्पल वॉच है, यही वाला जो है? ये मेरी एप्पल वॉच ना, यही वाला तो स्ट्रैप लगाया हुआ था। अच्छा ये मेरा नहीं है, ये मेरे ख्याल से किसी और का है। ठीक है, ये भी मेरा नहीं है, बाकी सामान मेरा ही है सारा। यार तुम ले लेते, पड़ा तो हुआ था उठा। कैसे पकड़ा लड़का? ये तसल्ली कर ले अपने सामान की, सामान आपका, सामान ये मेरा ही है 100% मेरा है, मुझे एक एक चीज की पहचान है। ये जो था ब्रांड न्यू था मेरे पास, तो घर पे सील पैक ही पड़ा हुआ था, ये मेरा ही फोन है। कैमरे लगे हुए थे आपके घर में? लगे हुए थे, हम सैदर में लगे हुए थे, उस कैमरे में चेक किया, इसकी फुटेज ली वहाँ से आपके घर से, पीछे दीवार किनार गार्डन की, उसने ये फड़ांगी है किनार गार्डन के कैमरे चेक किए गए, वहाँ से आके मेट्रो ऑरेंज ट्रेन वहाँ पे बैठा, फिर ये मनावे उतरा, वहाँ मनावे पे देखे गए,
फिर वहाँ पे हमने लोगों को सर्च किया, लोगों को दिखाई वीडियो वगैरह, लोगों ने बताया थे ये तो इसमें इसने जो है ये इनमें से कोई सामान सेल भी किया था, यूज कर रहा था हाँ। इसके दोस्त के पास एक सामान मिला है, मतलब फुल ड्रामे बाज है। आप फुल ड्रामे मुंडा तो फाड़ के ले आओ, देखे तो सही उसको। कुछ शूट लगानी हो लगा लो, कुछ शूट लगा ले। नहीं अलाउ नहीं, नहीं नहीं वो सिर्फ पुलिस को, वो पुलिस नहीं है यार। इशफाक हाँ जी, ये अच्छा ये बंदा है भाई। नाम बताओ अपना। आतिफ। हाँ करना क्या था आपने, पैसे पूछे लेके उसके बाद नशे? दुन 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 दुन। यार मुझे तो बस एक बात बताओ, आपने क्या सोच के ये किया यार? बस यंग हो आप, क्या एज क्या है, उम्र क्या है, उम्र क्या है तुम्हारी? 21। तो तुमने सोचा नहीं था कि पकड़े जाओगे बाद में? है इतना हलवा लिया हुआ तुमने पुलिस को, है पुलिस को इसने हल्का समझा हुआ है, इसको पता नहीं ना। ऊपर से तुम्हारी किस्मत बुरी है, तुम मुनीब का बैग ना लेके जाते तो शायद पकड़े भी ना जाते हैं। वो तो हमें घर में खबर ही तब हुई थी जब तुम मुनीब का बैग लेके गए थे। किस्मत नहीं ठीक है, किस्मत लेकिन चोरी का तरीका अच्छा है इसका। लेकिन जो भी हो पकड़ा जाता है इंसान, पकड़ा जाता है एक ना एक दिन। तो सीसीपी लाहौर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी साहिबा इन्वेस्टिगेशन, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन सदर, डीएसपी साहब रायवंड सर्कल, इंचार्ज सलीम संधू सुंदर थाने के, और स्पेशली इकबाल नासिर एएसआई तफ्तीशी अफसर जिन्होंने जो है इसको 48 घंटे में फाड़ के जो है ना पुलिस स्टेशन के अंदर जो है बंद कर दिया। अब आगे क्या करना है, तुम्हारा क्या फ्यूचर रह गया है? जिंदगी तो वर गई तुम्हारी है, माफी मुफी कोई नहीं तुम्हारी, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। माफी देनी चाहिए, क्या करनी चाहिए है? अगर इसको माफी दे दी मेरे ख्याल से बड़े लोग ना मोटिवेट हो जाएंगे, उनको लगना कि बड़ा हलवा है। नहीं नहीं हलवा तो कोई नहीं, माफी के काबिल नहीं है, माफी के काबिल नहीं है, माफी के काबिल नहीं, मिलेगी नहीं। वैसे कितनी सजा होगी अब तुम्हारा प्लान है मेरा एप्पल वॉच लेके भागने का है? मैं तो भाई चीजें तुमने जेब में रखनी शुरू कर दी है यार, यहाँ तो ये एप्पल वॉच पहनोगे या वो वाली एप्पल वॉच? हरामी हो बेटा। अच्छा ये सामान वगैरह ले जाएंगे, मेरे काम आता रहता है कैमरे शैमरे ना यार। नहीं भाई ये सामान अभी हमने आपको दिखाया, चेक कराया कि सामान आपका ही है, मेरा ही है, तसल्ली कर ली है आपका ही है। ये अदालत से सुपुर्दगी होगी, मतलब इलाका में स्टेट से वो आपको सुपुर्दगी इजाजत देंगे, वो मेरे पास लेना जाता अपना सामान, लेकिन आपका सामान आप लेके जाना। बस ठीक है, कब तक एस्टिमेट मेरे को? 2-3 दिन लगेगा। कल ही चले जाए, कल ही हो जाएगी सुपुर्दगी। बस ठीक है, कल ही, बस ठीक है यार। तुम्हारा सामान है, कल ही हो जाएगा, टेंशन भी ले रहे हो यार? टेंशन लेना हो जाएगा, कहते हो तो भी ले जाते हैं। नहीं कोई नहीं, वो उनका अपना जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, थैंक यू सो मच यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पुलिस स्टेशन से हम लोग फारिग हो गए हैं, और अभी मुझे वहाँ के ऑफिसर ने बताया कि जो हमने व्लॉग डाला था, और मैंने उस व्लॉग के अंदर एंड पे कहा था कि अगर इस लड़के को कोई पहचानता है तो सुंदर थाने लाहौर, अगर उसको जानते हो, कहीं देखा हो आपने उस टाइप के लड़के को, या आपको पता है कि ये कौन है, तो सुंदर थाना लाहौर के अंदर जो है रिपोर्ट करने, उसके खुद के खानदान के अंदर से रिपोर्ट गई है पुलिस को, और पुलिस ने फौरी एक्शन किया है, उसको पकड़ के लेके आए हैं, उससे सामान सारा रिकवर करवाया, और लेवल का काम कर दिया पंजाब पुलिस ने भाई। तो लव यू पंजाब पुलिस, मजा आ गया, और थैंक यू सो मच बैरिया सिक्योरिटी का भी, बैरिया सिक्योरिटी हेड इन्होंने भी जो है बड़ा फोड़ी एक्शन लिया। यार भाई को तो तुम भूल ही गए हो, जिसने 2 फोन घुमाया तो जाके काम हुआ है, मर्जी वाली बात है यार तुम्हारी। बाबी तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड बन जो बाहर है। सिक्योरिटी गार्ड आपके लिए जान हाजिर यार, क्या बात करते हो, सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे और बताओ यार क्या बात है। 1 hour later बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं डक्की भाई इतने हाई इन्फ्लेशन के दौर पे कैसे खर्चे पूरे करे हो? तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार बाइनो में भी ट्रेडिंग करके जो है खर्चा वर्चा निकल आता है आपके भाई का। सबसे पहले तो कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर बाइनोमो की लिंक दी होगी, वहां से कर लो बाइनोमो को डाउनलोड। तुम लोग के सामने मेरे पास स्क्रीन पे जो है बाइनोमो का अकाउंट लॉगिन हुआ है, हम लोग जो है डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे आ गए हैं। अब मार्केट को एनालाइज करते हुए हम लोग जो है आपको दुबा देते हैं, हमारी जो है ट्रेड स्टार्ट हो गई है, देखते हैं हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं। और हमें 18,200 का प्रॉफिट हो चुका है भाई। बाइनोमो के अंदर जो है बड़ी मजे की चीज चल रही है, अगर आप लोग इस तरफ जाओगे यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा टूर्नामेंट, अगर आप टूर्नामेंट के अंदर जाओगे तो 4,000 एंट्री फी के अंदर आप लोगों को मिलेगा 1v1, जिसमें आप लोग बाकी ट्रेडर के साथ कंपटीशन लगा के पैसे जीत सकते हो भाई। एक और भी बड़ी मजे की चीज है कि बाइनोमो के अंदर जो है अकाउंट टाइप्स भी होते हैं, यानी कि गोल्ड, वीआईपी, और इसके अंदर जो है आपको अलग अलग तरह के जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि विड्रॉल में डिफरेंस आ जाता है, गोल्ड में 24 आवर्स है, वीआईपी के अंदर 4 आवर्स है, और इसके अंदर डिपॉजिट बोनस भी 150 है, वीआईपी के अंदर 200% है। अपने अकाउंट की आप रैंकिंग भी बढ़ा सकते हो। डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत आसान है, आपके पास इजी पैसा, जैज कैश, बैंक ट्रांसफर, हर टाइप की ऑप्शन अवेलेबल है। अभी जाओ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर जाओ, बाइनोमो को डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। कैसी तबीयत है भाई? शाम क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, बेहतर हूँ, मेडिसिन ली, चाय पी। क्या बना पुलिस का? कुछ नहीं, सामान वगैरह सारा आ गया, इंशा 360 रह गया, बस वो भी कहती पुलिस कहती कि वो भी रिकवर करवा देंगे, बाकी सब कुछ आ गया वापस, बस उस कुत्ते ने ना आईफोन 15 प्रो मैक्स जो मेरा ब्रांड न्यू था, जो मैंने लोगों पे गिव अवे करना था 7 मिलियन सब्सक्राइबर पे, वो सील खोल ली उसकी। शिट,
फिर आप कुछ नहीं, पाकिस्तान है यहाँ पे दोबारा सील करके लोगों को गिव अवे कर देंगे ना। है कोई बात नहीं, हम तो नहीं नहीं अब लोगों को पता है कि भाई ये क्या स्टूडियो है, आईफोन की अनयूज्ड है, ब्रांड न्यू ही, बस सील खोल ली है यार, अब क्या कर सकते हैं। और वो 7 मिलियन सब्सक्राइबर की गिवअवे वाला शुगर मिला भी, मैंने खुदा की कसम मैंने कराची से आके कर देना था, लेकिन मैं चोरी होगी फिर लंबी होगी थी हर चीज यार। लेकिन अब कोई नहीं, सामान वापस आ गया है, और अब हमने घर के अंदर कुछ रखना ही नहीं है खुदा की कसम। अब तो मैं तो कहता हूँ कोई चोर अगर आएगा वो 500 रुपए खुद मुझे पकड़ा के रहेगा, डक्की भाई ये रख लो, कुछ रख लो अपने घर में। यहाँ पे मैं लोगों को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब अगर आपका दिल कर रहा है कर लो, मैं अपने से आप लोगों को नहीं कह रहा, अगर आपको दिल कर रहा है गो फॉर इट। बाकी मिलते हैं कल, गाड़ी की भी मैं अपडेट लेता हूँ फटाफट कि भाई गाड़ी कहाँ तक पहुंची है हमारी। रैप होने दी हुई थी और 1-2 दिन तक, ये मैं तुम लोगों को बता दूं कि 1-2 दिन तक ये PS5 वाला मैंने गिव अवे वाली वीडियो डाल देनी है, और वो लाइव इनसाइड गिव अवे होगा, तो जिसने सबसे पहले वीडियो देख ली वो ही गिव अवे जीत सकते, तो बेल आइकन लाजमी दबा देना भाई। एनीवे मिलते हैं कल।